कि डी एच आई क्या उपयोग है, इसके क्या क्या पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको प्रत्येक एग्जाम में से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो केस को पढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आप इसको शेयर करना ना भूलें। तो आज बात करते हैं गेज। तो गेज क्या है? गेज एक निश्चित मापी औजार है, यह जिस साइज में होता है उसी साइज को चेक करता है। तो गेज एक निश्चित मापी औजार है। अब बात करते हैं उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में होता है। मास प्रोडक्शन अर्थात चाहे किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में किसी भी वस्तु पर या मैन्युफैक्चरिंग में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। दूसरी बात, गेज किस धातु का बनाया जाता है? तो दोस्तों गेज नॉर्मल आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, लेकिन कई गेज ऐसे होते हैं जिनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो उनको घिसने का डर रहता है। तो वो गेजों का उपयोग जिनका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है उनको क्रोमियम स्टील या बेरिलियम स्टील का बनाया जाता है। और दूसरी बात, गेजों को घिसने से बचाने के लिए इलेक्ट्रोब्लेडिंग क्रिया की जाती है। अब इलेक्ट्रोब्लेडिंग क्रिया क्या की जाती है कि गेजों को घिसने से बचाने के लिए और एटमॉस्फेयर के प्रभाव से बचाने के लिए गेजों पर एक इलेक्ट्रोब्लेडिंग क्रिया की जाती है, जिसमें गेज पर किसी भी धातु की परत चढ़ाया जाती है, जैसे टिन की, क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी। इस परत चढ़ाने का उपयोग क्या है कि गेज पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है और गेज खराब नहीं होता है और घिसता नहीं है। तो आगे बात करते हैं गेज के प्रकार। गेज कितने प्रकार के होते हैं? गेज अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं गेजों के बारे में जो पेपर को और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गेज है प्लग गेज। अब इस गेज का क्या प्रयोग है? प्लग गेज का प्रयोग दोस्तों अंदरूनी डाया को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाया को चेक करें, ये जिस आकार में बना होता है उस आकार को चेक करता है, चाहे आपका इंटरनल थ्रेड हो, इंटरनल टेपर हो, या इंटरनल डाया हो, या सिलेंड्रिकल हो, या स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल, मतलब गेज जिस आकार में बना होता है उसी साइज को यह चेक करता है। इसके दो सिरे होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पहला एक सिरा होता है वो, दूसरा होता है लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस तो ये होगा कि वो सिरा आपका बड़ा होगा और लो सिरा छोटा होगा। दूसरा डिफरेंस, वो सिरा आपका न्यूनतम साइज में बना होगा और लो सिरा अधिकतम साइज में बना होगा। तो दोस्तों ये है आपका प्लग गेज। अब प्लग गेज भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो होते हैं थ्रेड प्लग गेज के। पहला होता है कि एक जिसमें थ्रेड प्लग गेज में एक साइड थ्रेड कटी होती है उसको बोलते हैं सिंगल थ्रेड प्लग गेज। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? जिस वो थ्रेड कटी हुई होती है उसका उपयोग किया जाता है इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए, लेकिन जो प्लेन सिरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसका उपयोग किया जाता है किसी भी होल के माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए। दूसरा, दोनों साइड थ्रेड कटी हुई है इसको बोलेंगे टू साइड थ्रेड प्लग गेज। इसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः थ्रेड चेक करने के लिए, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि आपको एक थ्रेड की सिरे दिखाई दे रहे हैं दोनों सिरों की, वो दूसरा एंड वो, और बीच का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर टर्न, इस पर नर्लिंग क्रिया हुई है जिससे पकड़ने में सुविधा रहती है। तो इसमें मुख्यतः क्या है कि आपके जो दो थ्रेड चेक करने वाले सिरे होते हैं ये कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और जो उनका बीच का भाग होता है इसको दोस्तों हैंडल आपका एल्यूमिनियम एबोनाइट या प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो वह गेज जिसके वर्किंग सतह और आपका यूज करने वाला हैंडल दोनों अलग अलग धातुओं के होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिबल गेज। अब दोस्तों बात करते हैं रिंग गेज की। प्लग गेज के अपोजिट रिंग गेज होता है। अब रिंग गेज का प्रयोग क्या किया जाता है? किसी भी भारी व्यास को चेक करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे मुख्यतः बात क्या होगी, रिंग गेज की प्लग गेज की प्रकार अनेक प्रकार का होता है, थ्रेड रिंग गेज, पेपर रिंग गेज और सिंपल रिंग गेज। अब बात करें सिंपल रिंग गेज का प्रयोग भारी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सबसे मुख्यतः प्रयोग इंडिकेटर होल गेज को निश्चित साइज में सेट करने के लिए इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। सेकंड, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, उसकी एरर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब रिंग गेज में सबसे मुख्यतः क्या, रिंग गेज में भी 2 सिरे होते हैं, एक गो और दूसरा लो गो। अब इसमें पहचानेंगे कैसे? जो रिंग गेज में लो गो सिरा होता है उसकी बाहरी सतह पर ग्रुप बने होते हैं, जैसा उसमें आप देख पा रहे हो कि इसका प्रयोग पेपर चेक करने के लिए बाहरी पेपर चेक करने के लिए किया जाता है, और लो गो सिरे पर ग्रुप बने होते हैं। ये ग्रुप क्यों बने होते हैं? जिससे गो और लो गो को आसानी से पहचाना जा सके। यह रिंग गेज आपको दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट है कैलिपर गेज। दोस्तों कैलिपर गेज एक मात्र ऐसा गेज है जिसके द्वारा बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास दोनों चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिसीविंग गेज। रिसीविंग गेज एक अलग प्रकार का गेज है, इसका सिर्फ इतना उपयोग है किसी भी भारी व्यास को चेक करने के लिए रिसीविंग गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रिल गेज। ड्रिल आप सब लोग जानते हैं, दो पद्धतियों में मिलते हैं, पहला इलेक्ट्रिक दूसरा ब्रिटिश। ड्रिल गेज का प्रयोग मुख्यतः क्या है, ड्रिल के साइज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों प्रणालियों में मिलता है, नंबर साइज और लेटर साइज, जो 1 से 80 नंबर तक साइज होते हैं और E से Z तक लेटर साइज होती है। यह दोनों साइजों में मिलता है, तो इसका मुख्यतः प्रयोग क्या है, ड्रिल गेज का, ड्रिल के साइज को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिलर गेज। फिलर गेज दोस्तों थिकनेस गेज भी बोलते हैं, इसका मुख्यतः प्रयोग क्या है, दो पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रेडियस गेज। रेडियस गेज दोस्तों रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है उत्तल और अवतल सतहों के रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल का हिंदी अर्थ होता है आकृति। किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी आकृति को चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटर गेज। सेंटर गेज का सबसे मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते हो लेद मशीन होती है, लेद मशीन में थ्रेडिंग क्रिया करने के लिए, चैम्बरिंग क्रिया करने के लिए या नलिंग क्रिया करने के लिए टूल प्रयोग होता है। उस टूल को ग्राइंड करते समय उसका सही एंगल बन सके उसको चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही सेंटर गेज का उपयोग क्या है, लेद मशीन में टूल होता है उसको टूल पोस्ट में बांधते समय 90 डिग्री पर सेट करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ड्रिल पॉइंट गेज। सेंटर गेज की तरह ड्रिल पॉइंट गेज का उपयोग है, ड्रिल पॉइंट गेज का प्रयोग किया जाता है ड्रिल को ग्राइंड करते समय ड्रिल के पॉइंट को चेक करने के लिए ड्रिल पॉइंट गेज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग ड्रिल के लिप्स को भी चेक करने के लिए किया जाता है कि वह सेंटर लाइन से लिप्स दोनों तरफ दौड़ने अच्छी के दोनों तरफ बराबर है या नहीं, क्योंकि लिप्स के असमान होने से ड्रिल अपने साइज से अधिक साइज के होल करेगा। इसीलिए ड्रिल पॉइंट गेज का प्रयोग किया जाता है ड्रिल के साथ एंगल को चेक करने के लिए। ड्रिल पॉइंट गेज का एंगल होता है दोस्तों 121 डिग्री, लेकिन यह ड्रिल के पॉइंट का आधा डिग्री के पॉइंट 59 डिग्री को चेक करता है, क्योंकि ड्रिल का पॉइंट होता है 118 डिग्री और उसका आधा होता है 59। तो ड्रिल पॉइंट एंगल गेज ड्रिल के आधे पॉइंट 59 डिग्री एंगल को चेक करता है। अब बात करते हैं टेपर गेज। टेपर गेज अब आपको लग रहा होगा टेपर गेज से ये टेपर को चेक करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दो प्रकार का होता है, पहला मोटाई में टेपर। यह मोटाई में कितना टेपर होता है, यह मोटाई में 0.3 mm से 4 mm तक टेपर होता है। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है, जो मोटाई में टेपर होता है टेपर गेज, उसका प्रयोग किया जाता है कि स्लॉट की चौड़ाई, किसी भी खांची की चौड़ाई और दो पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए किया जाता है। दूसरा यह चौड़ाई में भी टेपर होता है दूसरी प्रकार का, इसका प्रयोग किया जाता है पाइप के अंदर का व्यास चेक करने के लिए टेपर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ दोस्तों टेपर गेज। नेक्स्ट है वायर गेज। वायर गेज का प्रयोग किया जाता है किसी भी तार या स्टील की मोटाई को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह दो आकृतियों में मिलता है, या फिर स्क्वायर आकृति में होगा या आयताकार या राउंड आकृति में। इसका साइज होता है 0.125 mm से लेकर 8 mm तक। नेक्स्ट है स्क्रू पिच गेज। किसी भी चूड़ी की पिच ज्ञात करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह चूड़ी आपकी मेट्रिक पद्धति में हो, ब्रिटिश में हो, DSW हो, BSP हो या एक्मे हो, किसी भी चूड़ी की पिच चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंगल गेज। एंगल गेज दोस्तों जैसा चित्र देख पा रहे हो, एंगल गेज नाम से ही क्लियर है, एंगल करता होता है कोण। किसी भी कोण को चेक करने के लिए एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, केवल एक ग्रुप वाले कोण को चेक करेगा, जो कोण किसी ग्रुप या ग्रुप में बना हुआ उसी को चेक करेगा। इसकी पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये सारी पत्तियां स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है और इसमें उस पत्तियों का सेट होता है, उस पत्तियों के सेट में कुल 18 पत्तियां होती है। नेक्स्ट है आपका स्नैप गेज। स्नैप गेज इसकी आकृति अंग्रेजी की अक्षर की आकृति की होती है। इसका प्रयोग
किसी भी व्यास को, भारी व्यास को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई इनको चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें भी दो स्तरीय होती हैं, एक गो दूसरा नो गो, और इसमें एक होता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज का प्रयोग एडजस्टेबल स्नैप गेज को एडजस्ट कर सकते हैं उसको थोड़ा, तो उसको कितना एडजस्ट कर सकते हैं, उसको 6 mm तक का एडजस्ट कर सकते हैं। इसका प्रयोग एडजस्टेबल स्नैप गेज को सेट करने के लिए गेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वो गेज, आज हमने गेज के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों गेज में मैंने आपको सिर्फ उन्हीं गेजों के बारे में बताया जो मैक्सिमम के बारे में क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सिर्फ आप इतना टॉपिक तैयार कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑर्डिनेंस हो या MPBGCL हो या DRDO हो या DMRC हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल, इतना आप इस टॉपिक से कवर कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बात दी जाएगा इतना आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें।